खबर जनपद चमोली से है, जहां राष्ट्रीय गंगा स्वच्छता मिशन और आईसी गतिविधियों के तहत गोपेश्वर महाविद्यालय में आयोजित गंगा स्वच्छता पखवाड़ा कार्यक्रम का पुरस्कार वितरण के साथ ही समापन हो गया। समापन समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर कुलदीप सिंह नेगी ने अपने संबोधन में कहा कि आज हमें संकल्प लेना होगा कि माँ गंगा को हमेशा हर छात्र साफ सुथरा रखेगा और इसी से गंगा पवित्र और निर्मल होगी। चमोली से संदीप कुमार की रिपोर्ट। ये नमामि गंगे जो कार्यक्रम है, राष्ट्रीय कार्यक्रम है, और इसमें जो गंगा एक सिंबॉलिक है, लेकिन जो हमारा जल जमीन आदि को बचाने, जो भविष्य में जो शंका है कि पानी की कमी होगी या किसी तरीके का जो प्रॉब्लम है, उसको अभी से अगर हम संज्ञान में लेते हैं तो आने वाली जो पीढ़ी है उसको जल उपलब्ध होगा। और इसी के तहत जन जागरूकता अभियान के लिए भारत सरकार के द्वारा जो निर्देश हैं उनके अकॉर्डिंगली ही यहाँ पे कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, ताकि जन जन के मानस में एक संदेश जाए कि हमें गंगा और उसकी सहायक जितनी भी नदियाँ हैं या हमारे गाढ़ गदेरे धारे मंगरे चाल खाल, इन सब को संवर्धित करें, और ताकि आने वाली जो पीढ़ी है उसको हम तोहफे के रूप में जल दे सकें। इनके तहत हमारा जो राष्ट्रीय मिशन जल मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय गंगा मिशन कार्यक्रम था, उसके तहत आज कार्यक्रम का समापन है। हमने 16 मार्च से 31 मार्च तक जो गंगा पखवाड़ा बना था, पूरे पखवाड़ा 15 दिन का पखवाड़ा था, पर इस बीच होली आने के कारण ये पखवाड़ा हमको समाप्त करना और चुनाव के आचार संहिता भी है, इस कारण से भी पखवाड़े को समयबद्ध तरीके से हमको करना है एक समय पर। और इसमें ये कहूँगा कि आज हम पूरी तरह पूरी दुनिया प्लास्टिक की ढेर पे खड़ी हो रही है, और सबसे ज़्यादा हर स्थान पे हर क्षेत्र में प्लास्टिक ही प्लास्टिक दिख रहा था, कूड़ा कचरा ही पड़ा हुआ है, और हमारी पहचान किसी नदी से नहीं, किसी देश से नहीं, इतने तक कि आज गंगोत्री तक भी कई टन प्लास्टिक है, और इस प्लास्टिक को देखते हुए इस प्लास्टिक का विनिष्टीकरण जब होगा, इसी ये प्लास्टिक नदियों में बहने से रुकेगा तो नदियां भी साफ होगी, और सारी क्षेत्र जितने गांव गली मोहल्ले हर स्थान पर जो है साफ स्वच्छता रहेगी।